आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें कि राष्ट्रपति भवन में चुनी हुई शख्सियतों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्म भूषण ग्रहण किया। दिलचस्प संयोग यह है कि 7 साल पहले 2 अप्रैल के ही दिन धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले का विश्व कप हासिल किया था। श्रीलंका के खिलाफ उस फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार छक्का लगाकर भारतीय दल को जीत दिलाई थी। बता दें कि धोनी को लेकर इस समारोह में एक और खास बात दिखी कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान लेने के लिए वह सेना की यूनिफॉर्म में नजर आए। धोनी को इससे पहले साल 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं बिलियर्ड्स के क्षेत्र शानदार उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ी पंकज आडवाणी को भी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आडवाणी के नाम 16 विश्व खिताब और एशियाई खेलों में 2 गोल्ड मेडल भी दर्ज हैं। इस समारोह में कुल 41 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।